माई नेम इज़ अक्सा खालिद एंड आई एम हेयर विद एन अदर वीडियो अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डिजिटल फंडामेंटल्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 3.5 मीन द चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 5 द नोर गेट. ठीक है, इस सेक्शन में हम लोग जो भी अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो जो है नोर गेट के अबाउट होंगे. ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने सेम वही काम करना है जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में किया है कि जस्ट हमने अपनी फॉर्म्स लेनी है. ठीक है, और उनका आउटपुट फाइंड करनी है बाय यूजिंग द नॉर गेट. ठीक है, सबसे पहले नॉर गेट का जो है मैं आप लोगों को ट्रुथ टेबल बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो कि हमने आउटपुट जो है वो कैसे लेनी है. नॉर गेट इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ और गेट. ठीक है, मतलब कि आप लोग समझ लो कि नॉर गेट इज़ जस्ट एन और गेट फॉलोइंग अ इन्वर्टर. सो जो भी और गेट की आउटपुट होगी वो नॉर गेट में उसका अपोजिट होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जब और गेट में दोनों आउटपुट जो हैं वो लो होती थी तो हमारा रिजल्ट जो है वो लो आता था. ठीक है, बट एज नॉर गेट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ और गेट, आर यू मे से दैट नॉर गेट इज़ एन और गेट फॉलोइंग एन इन्वर्टर. तो इसमें क्या होगा कि आफ्टर इन्वर्टर से पास करने के बाद हमारी आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी, मतलब हाई हो जाएगी. ठीक है, और गेट में हमारे पास ये होता था कि अगर हमारे पास एनी अदर कम्बिनेशंस, ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर एक वन है एक ज़ीरो है या हमारे पास एक हाई है या एक लो है, ठीक है, तब हमारे पास क्या रिजल्ट होता था, हाई होता था. लेकिन अब नोर गेट है अपोजिट ऑफ और गेट, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो लो होगा. ठीक है, मीन ज़ीरो होगा. ओके, और जो हमारे पास अगर हमारे पास ए जो है हाई है, बी जो है वो लो है, तब हमारे पास भी रिज़ल्ट लो होगा. और हमारे पास अगर दोनों वन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट जो है पहले हाई आती थी इन और गेट, अब हमारे पास जो है वो लो आएगी. दैट्स इट. इस और ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे अपनी जो है आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा कर लेनी है. ठीक है, जो क्वेश्चन है बुक पे वो ये है, रिपीट प्रॉब्लम 17 फॉर अ टू इनपुट नॉर गेट. ठीक है, 17 प्रॉब्लम की ये वेवफॉर्म्स हैं, बस अब हमने इनको रिपीट करना है बाय यूजिंग नॉर गेट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो है हम लोग ये कम्बिनेशन देख लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारा स्टार्ट जो है वेव का वो हायर होगा या लोअर होगा. ठीक है, ये देखें कि हमारी ये जो वेवफॉर्म है ए वो लो है और बी जो है वो हाई है. ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि हमें लो आउटपुट मिलेगी. हमें जस्ट हाई आउटपुट इन शॉर्ट तभी मिलेगी जब हमारी दोनों जो हैं इनपुट्स वो लो होंगे. ठीक है, तो बाकी सब पे हमें जो है वो ज़ीरो मिलेगी. तो इस पे जो है हमें ऑफ कोर्स लो मिलेगी, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यूँ यहाँ से. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दोनों हाई हैं, हमारी आउटपुट सिर्फ लो ही चलेगी. ठीक है, ये बी हाई है ए लो है तो लो चलेगी. ठीक है, यहाँ पे जो है लो चलेगी बिकॉज बोथ इनपुट्स आर हाई लेवल, एंड यहाँ पे भी लो चलेगी. ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे जो है आउटपुट लो चलेगी. लेकिन उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट है वो लो यहाँ तक चलेगी. ठीक है, इस लेवल तक. कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने इन क्वेश्चन से, ये कोई क्लॉक वाले क्वेश्चन नहीं है कि जहाँ पे क्लॉक आएगा तभी हमने कंडीशन अपनी चेंज करनी है, ऐसा नहीं है. ओके जनाब, और यहाँ पे आप देखें कि इस लेवल के बाद ये दोनों दोनों इनपुट्स लो हैं, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी जो आउटपुट है वो हाई रहेगी, लेकिन इसके बाद फिर से आपकी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद जो है आपकी आउटपुट यहाँ पे लो चलेगी, यहाँ पे हाई चलेगी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी लो चलेगी और इन पॉइंट्स तक आपकी आउटपुट हाई रहेगी. यहाँ तक आपकी आउटपुट हाई चलेगी, इसके बाद अगेन लो हो जाएगी क्योंकि हमारे पास बी जो है इस पॉइंट के बाद हाई हो रहा है. ठीक है, इसके बाद जो है आपकी आउटपुट लो हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी आउटपुट लो रहेगी.
अब जो है हाई सिर्फ इन पॉइंट्स में कहीं जाके होगी, तो उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे लो ही ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि बी जो है इन पॉइंट्स में हाई है। ठीक है, यहाँ तक जो है आपकी लो रहेगी, उसके बाद इन पॉइंट्स तक तो लो ही रहेगी, क्योंकि बी इन पॉइंट्स तक हाई है यहाँ तक। पॉइंट के बाद क्योंकि हमारी दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो हो रही हैं, तो हमारी जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगी, फॉर एंड नॉर गेट। ठीक है, और इन पॉइंट तक हाई ही रहेगी, उसके बाद लो हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि ए हाई है तो हमारी आउटपुट जो है वो लो चलेगी। यहाँ पे जो है हमारे पास दोनों हाई हैं लो हैं, तो हमारी आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद फिर से लो हो जाएगी क्योंकि ए हाई है, उसके बाद इस पॉइंट तक हाई रहेगी। उसके बाद जो है वो लो हो जाएगी और अप टू सो ऑन लो ही चलेगी, क्योंकि इसके बाद जो है बी हाई है। ठीक है, दिस इज़ द आउटपुट वेव फॉर्म बाई यूजिंग दीज इनपुट वेव फॉर्म्स थ्रू अ नॉर गेट। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड, इफ येस देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑल अबाउट डिटरमिन द आउटपुट वेव फॉर्म इन फिगर दिस दैट ड्रा द टाइमिंग डायग्राम। देन वी हैव टू ड्रा द टाइमिंग डायग्राम, मीन वी हैव टू ड्रा द आउटपुट डायग्राम फ्रॉम दीज गिवन इनपुट्स फॉर अ थ्री इनपुट नोर गेट। ठीक है, आपके पास थ्री इनपुट नोर गेट हो, या आपके पास फोर इनपुट्स नोर गेट हो, या अबव देन दैट। ठीक है, जस्ट आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि आपकी आउटपुट तब भी हाई होगी जब सारी जो इनपुट्स हैं वो लो होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि आपके पास इनपुट ज़्यादा हैं या कम हैं, जस्ट फाइंड करें वो कॉम्बिनेशंस जिनमें सारी इनपुट्स जो हैं वो लो हैं। ठीक है, जस्ट उन्हीं पे हाई ड्रा करें, बाकी सब पे लो ड्रा कर दें। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सारी जो हैं लो हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से जो हमारी इनपुट सॉरी आउटपुट स्टार्ट होगी, एक्स आउटपुट स्टार्ट होगी, वो हाई से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस लेवल के बाद हमारे पास जो है ए हाई हो जाती है, तो हमारी जो है आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी आउटपुट जो है वो लो ही चलेगी क्योंकि ए हाई है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास ए हाई है, यहाँ पे अगेन हमारे पास ए हाई है, और यहाँ पे तो हमारी जो है खैर से तीनों इनपुट्स ही हाई हैं, तो लो ही रहेगी हमारी आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है ए और बी हाई है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास सी और ए तो लो है लेकिन बी हाई है, तो यहाँ पे भी लो ही रहेगी। उसके बाद इस पॉइंट पे हमारे पास तीनों ही लो हैं, इस पॉइंट पे तीनों ही लो हैं, तो ये हाई रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये अगेन लो हो जाएगी, यहाँ तक लो रहेगी, यहाँ पे ए हाई हो जाएगी, तो हमारी जो है वो आउटपुट वो लो ही रहेगी। यहाँ से बी हाई हो रही है, तब भी हमारी आउटपुट लो रहेगी। ओके जनाब, यहाँ तक जो है बी हाई है, तो यहाँ तक हम अपनी जो आउटपुट है उसको लो रखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के बाद यहाँ से, ठीक है, हमारे पास तीनों जो इनपुट्स हैं वो लो हैं, तो हमारी आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी, यहाँ तक हाई रहेगी। इसके बाद इन पॉइंट्स के लिए जो है वो हमारे पास लो होगी, क्योंकि इन पॉइंट सिर्फ इन पॉइंट्स के लिए हमारे पास सी हाई है। ठीक है, उसके बाद अगेन जो है वो ये हाई हो जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री। इस क्वेश्चन में भी हमें जो है बुक पे जो 19 क्वेश्चन है, जो 19 प्रॉब्लम है, उसकी वेव फॉर्म्स को नोर गेट के लिए रिपीट करना है। ठीक है, तो ये उसकी जो है हमारे पास वेव फॉर्म्स जो है वो गिवन है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द सोल्यूशन।
सेम विल गोज़ फॉर दिस क्वेश्चन कि जब हमारी जो है सारी इनपुट जो हैं 4 की 4 जो हैं लो होंगी तभी हमारी जो आउटपुट है वो हाई होगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. फ्रॉम ऑल दी स्टार्टिंग पॉइंट्स जो हमारी इनपुट्स हैं वो लो हैं तो हमारी आउटपुट जो है वो हाई से स्टार्ट होगी. ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद जो है लो हो जाएगी क्योंकि ए जो है हमारे पास वो हाई हो रहा है. इन पॉइंट्स के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जनाब आप आराम से सारी जो है अपनी आउटपुट उसको लो खींच दें क्योंकि इन पॉइंट्स तक आपकी जो इनपुट्स हैं उनमें से कोई ना कोई जो है वो हाई है. ठीक है, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो भी आउटपुट होगी वो लो ही रहेगी. इन पॉइंट्स के बाद हमारे पास सारी जो है वो एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो हैं तो हम क्या करते हैं अपनी आउटपुट को 4 एंडिंग पॉइंट्स हाई कर देते हैं. दिस इज़ जस्ट क्वेश्चन नंबर 323. दिस इज़ जस्ट द वेव फॉर्म आउटपुट वेव फॉर्म. दिस इज़ जस्ट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ चैप्टर नंबर 3 डिजिटल फंडामेंटल्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इसका मैं आपको एक रिव्यू देती हूँ, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसमें हमने ये करना है कि हमने जो है ये हमारे पास गिवन जो है इनपुट्स दी गई हैं. ठीक है, लेट्स से दैट कि ये जो है हमारे पास ए एंड बी हैं. ठीक है, इनकी वेव फॉर्म जो है आउटपुट वेव फॉर्म हमने राइट करनी है फॉर नॉर गेट एंड फॉर नेगेटिव एंड गेट. ठीक है, अब हमने ये दोनों फाइंड करने के बाद ये प्रूव करना है कि ये जो इन दोनों की आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब कि जस्ट ये गेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं विद डिफरेंट फंक्शंस अप्लाइंग. ये दोनों गेट्स जो हैं हमें सेम रिजल्ट देते हैं. ठीक है, आफ्टर अब गेट्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, बट ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस ये जो हैं हमें इन इनपुट वे फॉर्म्स के लिए हमें सेम रिजल्ट देंगे. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इनका ट्रूथ टेबल जो है वो समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर नोर गेट मैंने पहले भी बताया है कि जस्ट एन अपोजिट ऑफ ओर गेट. यू मे से दैट एन ओर गेट फॉलोइंग अ एन इन्वर्टर. तो हमारे पास जो ओर गेट होता है उसमें हमारे पास जब दोनों इनपुट्स लो होती हैं तो हमें लो रिजल्ट देता है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास नोर गेट है तो हमें जो है उसका अपोजिट मतलब हाई रिजल्ट मिलेगा. बाकी जो हमारे पास ओर गेट में चलता है कि बाकी सभी जो है इनपुट्स कम्बिनेशंस के लिए हमारे पास 1 होती है, हाई आउटपुट होती है, लेकिन जो है नॉर गेट में उसका अपोजिट होगा, मतलब कि हमारे पास बाकी सभी कम्बिनेशंस के लिए रिमेनिंग वंस के लिए ठीक है सारी जो आउटपुट होगी वो 0 होगी. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस नेगेटिव एंड गेट को. नेगेटिव एंड गेट में हमारे पास ये होता है कि बिफोर एंट्रिंग इनटू द गेट जो भी हमारे पास इनपुट्स होंगी वो अपोजिट हो जाएंगी, वो जो है चेंज हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी. तो जैसे ही हमारे पास दोनों जो हमारी इनपुट्स हैं वो 0-0 होंगी तो यहाँ पे जो है वो दोनों ही 1 हो जाएंगे. ठीक है, और आगे तो सिंपल इज दैट के एंड गेट है. ठीक है, तो वो इनको जब दोनों ही यहाँ से एंटर 1 होंगी इसके अंदर गेट के अंदर तो वो हमें जो है आउटपुट 1 देगा. उसके बाद जो है हमारे पास ए जो है वो 0 है तो ए तो यहाँ पे हाई हो जाएगी. ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू द गेट. लेकिन बी जो है वो हमारे पास हाई थी लेकिन वो यहाँ पे लो हो जाएगी. तो यहाँ पे फॉर नेगेटिव एंड गेट के लिए हमारे पास कम्बिनेशन गेट के अंदर जाएगा. ठीक है, ए के लिए 1 जाएगा. ठीक है, और बी के लिए हमारे पास यहाँ पे 0 जाएगा. 1 और 0 का कम्बिनेशन एंड गेट हमें 0 रिजल्ट देता है. ठीक है, सेम गोज़ फॉर दिस कम्बिनेशन. ठीक है, अब इस कम्बिनेशन को देख लेते हैं कि ये यहाँ पे दोनों हमारी इनपुट्स जो हैं वो हाई हैं लेकिन बिफोर एंट्रिंग इनटू द गेट हमारी जो दोनों इनपुट्स हैं यहाँ पे इन्वर्ट हो के अंदर जाएंगी. ठीक है, तो दोनों 1 थी. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही 0 हो जाएंगी तो हमें एंड गेट जो है सिंपल इज दैट 0 रिजल्ट देगा. ठीक है, तो यहाँ से एक ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि ट्रूथ टेबल भी इन दोनों गेट्स के हमें सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं. ठीक है, इधर के वो हमारे पास नॉर गेट के हैं और फॉर नेगेटिव एंड गेट. तो सिंपल इज दैट हमारे पास इनका रिजल्ट जो है वो भी सेम आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को नॉर गेट के लिए तो पता है कि जब हमारे पास दोनों जो हैं वो इनपुट्स लो होंगी तभी हमारे पास आउटपुट हाई होगी. ठीक है, तो यहाँ से ही हमारी जो इनपुट स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमारी इनपुट जो है वो लो रहेगी. तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट से हाई है. ठीक है, उसके बाद ये देखें ये दोनों हाई हैं, लो रहेगी. ठीक है, यहाँ पे जो है बी हाई है, लो रहेगी. यहाँ पे जो है आपकी दोनों इनपुट्स ही हाई हैं. यहाँ पे जो है आपकी ए हाई है. ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों हाई हैं. यहाँ पे आपकी जनाब ए हाई है. यहाँ पे जो है आपकी दोनों लो हैं तो हमारे पास जो है हाई रिजल्ट मिलेगा.
ठीक है, यहाँ पे अगेन जो है वो लो हो जाएगा क्योंकि ए हाई थी, ठीक है, यहाँ पे अगेन लो ही चलेगा, ठीक है, और आगे जो है वो लो ही चलेगा, ठीक है। अब बाकी जो है इन सेम कम्बिनेशंस के लिए भी हम लोग जो हैं नेगेटिव और एंड गेट के लिए भी हम जो है सेम प्रोसेस हम लोगों को करना है, आउटपुट हमें सेम इनपुट से लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव एंड गेट के लिए अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल हमारे पास वन तभी होगा जब हमारे पास ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो होंगी, और इन पूरे कम्बिनेशन में इनपुट्स के सिर्फ यही पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो लो हैं, तो हमारे पास नेगेटिव और एंड के लिए भी सिर्फ यहाँ पे जो है हमारी आउटपुट हाई होगी, ठीक है, बाकी सभी कम्बिनेशंस के लिए हमारी इनपुट आउटपुट जो है वो लो ही रहेगी, ठीक है। तो इसको कह देते हैं एक्स फॉर नेगेटिव एंड गेट, ठीक है, और हमारे पास आउटपुट फॉर नोर गेट, ठीक है। आई होप इट विल मेक सेंस टू यू, एंड इफ़ येस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब हम लोग आप लोगों के लिए एक टिप है कि हम लोग आप लोग जब भी स्टार्ट करते हैं किसी भी गेट का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी वेवफॉर्म्स के लिए, तो सिंपल इज़ दैट उसका ट्रूथ टेबल बना लिया करें। विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल इट इट बिकम वेरी इजी टू ड्रा एन आउटपुट डायग्राम। थैंक यू।